साल 2022 बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, या फिर यूं कहें कि एक मनहूस साल रहा बॉलीवुड के लिए। लिहाजा सारी उम्मीदें हैं 2023 पर। तो आपको बताते हैं कौन सी बड़ी फिल्में हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों की जो इस साल रिलीज होने वाली हैं और जिन्हें लेकर के लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सबसे पहले बात किंग खान यानी शाहरुख खान की। किंग खान 2018 में नजर आए थे और अब लंबे ब्रेक के बाद उनकी फिल्म पठान आ रही है। इसी के साथ इस साल जवान और डंकी जैसी फिल्मों के साथ भी किंग खान इस साल में डंका बजाने वाले हैं। इसके बाद बात करें एंग्री यंग मैन अजय देवगन की। दृश्यम 2 ने 250 करोड़ के करीब कमाई की, लिहाजा 2022 में अच्छी कमाई करने वाले चुनिंदा सितारों में से एक अजय देवगन अब अपनी फिल्म भोला और रेड 2 के साथ 2023 में भी छा जाने के लिए तैयार हैं। अब बात करें भाई सलमान खान की, तो 2 साल से कोई फिल्म नहीं आई सलमान की। 2023 में अब 2 फिल्में एक साथ धमाका करेंगी, किसी का भाई किसी की जान और फिल्म टाइगर 3 के साथ सलमान खान धूम मचाने वाले हैं। बात खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की, जिनके लिए 2022 बहुत ही मनहूस रहा। 5 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई हैं अक्षय की, लेकिन अब नए साल में भी कई फिल्में हैं। बड़ी फिल्म है बड़े मियां छोटे मियां, और इसके साथ ही अक्षय की कई फिल्में हैं जो 2023 में आने वाली हैं। बात ऋतिक रोशन की करें तो विक्रम वेधा ने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं की, हालांकि ऋतिक की एक्टिंग की तारीफ जरूर हुई है और अब उनकी फिल्म फाइटर से लोगों को उम्मीदें हैं इस साल। रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र से खूब सुर्खियां बटोरी, आखिरकार ब्रह्मास्त्र को हिट की कैटेगरी में ला ही दिया गया। अब रणबीर कपूर की फिल्म है एनिमल, जिसे लेकर काफी चर्चाएं हैं, तो इस साल एनिमल में उनका लुक देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। अब बात सुपर डुपर स्टार प्रभास की। जी हां, साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष को लेकर बवाल भी खूब हुआ, लेकिन इसे लेकर चर्चाएं भी खूब। उम्मीद है कि प्रभास की फिल्म आदि पुरुष आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर ले जाएगी।